हेलो एंड वेलकम टू सिविलियन एकेडमी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविलियन एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बक्स कलवर्ट का राफ्ट की रेनफोर्समेंट के बारे में बताएंगे, रेनफोर्समेंट कैसे बांधते हैं उसके बाद वाल्स की भी साथ में बताएंगे और आपको इंट्रोडक्शन देंगे कौन कौन सा सरिया लगता है बक्स कलवर्ट में, स्पेशली इन ड्राफ्ट, देन वॉल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम स्लैब की भी बात करेंगे। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर और बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर मोर अपडेट्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये जो नीचे ढला हुआ है इसको वो कहते हैं PCC। ये PCC होता है, इसमें रेनफोर्समेंट नहीं होता, तो ये 100 mm थिकनेस का PCC है। और ये जो नीचे के लिए दिया हुआ है, ये डोन के लिए एक स्लोप टाइप दिया हुआ है, एक ट्रायंगल शेप बनेगा यहाँ पे, इसको कहते हैं शेयर की। इसको शेयर इफेक्ट से बचाता है, इसलिए शेयर की दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग प्रकार का सरिया आता है। ये सरिया बांध रहे हैं अभी, राफ्ट का सरिया बांध रहे हैं, साथ में ओटर वाल का वर्टिकल बार्ज भी बांध दिया है जो कि 16 mm का है। दोस्तों ये कुछ सरिया होता है, सरिया जो जैसे वाल का सरिया होता है, ओटर इनर वाल का सरिया होता है, राफ्ट का बर्थ मैन बार होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है, उसके बाद राफ्ट की बॉटम के बाद ऊपर वाली होती है, देन हंच बार होती है, उसके बाद चीयर्स होती हैं, उसके बाद लिंक्स होते हैं। तो ये सब आपको दिखाएंगे। ये सरिया हमारे पास आया हुआ है, इस सरिया को कंप्लीट बताएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं ये है हंच बार। देखिए हंच क्या होता है, हंच जो राफ्ट और वाल के बीच में जो कॉर्नर बनता है, उस कॉर्नर में जो एक एरिया होता है, उस एरिए में जो थोड़ा सा स्लोप देते हैं उसको बोलते हैं हंच। तो देखिए ये हंच बार होती है, हंच बार के कैसी होती है, हंच बार बिल्कुल स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट के बाद यहाँ से थोड़ा बेंड होती है, उसके बाद सीधी होती है। तो ये हंच की साइज़ पे डिपेंड करता है, ये भी ये जो कि राफ्ट और वाल को कनेक्ट करती है इसको हंच बार बोलते हैं। इस प्रकार के हंच बार होती है ये, काफ़ी ज़्यादा हमने ऑलरेडी बार बना दी। उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं आप लिंक्स के बारे में। ये लिंक इस प्रकार का होता है, एक साइड से बेंड, एक साइड से खुला। लेकिन इसको जब ये क्या करता है, जब डबली रेनफोर्समेंट होता है तो दोनों रेनफोर्समेंट को बराबर खींच के रखने के लिए इसको रखा जाता है। ऐसे नीचे वाली जो बॉटम रेनफोर्समेंट है तो उसको कनेक्ट करके उसके ऊपर से बेंड किया जाता है, ताकि दोनों का स्पेस मेंटेन रखे और जो दोनों स्टील है अपर और बॉटम दोनों को कनेक्ट करके रखे मजबूती से। ठीक है उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चेयर की। तो ये चेयर बनाई गई है, चेयर की ये शेप होती है। ठीक है तो चेयर से नाम से पता चलता है आपको कि चेयर जो बैठने के लिए यूज़ करती है, उसी तरह ये चेयर क्या होती है, जब डबली रेनफोर्समेंट हो तो उसमें अपर स्टील और बॉटम स्टील को स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए चेयर रखी जाती है, जो सपोर्ट करती है और जो स्पेस मेंटेन रखती है इसको चेयर बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी जानकारी मिल गई आपको। अब हम आपको बताते हैं मैन रेनफोर्समेंट। दोस्तों जो ये शॉर्ट स्पैन बार है जो यहाँ से शुरू होती है बॉटम में, यहाँ से और उधर तक ख़त्म होती है कंटिन्यूसली, इस बार को हम मैन बार बोलेंगे, बॉटम मैन रेनफोर्समेंट हो गई है। ठीक है और इसके ऊपर जो है ये, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या बाइंडर बोलते हैं, ये फुली लेंथ तक है। तो हम आपको साइज़ बता देते हैं बक्स कलवर्ट की। साइज़ है 6x4, 6 जो है इसकी वेट है और हाइट जो है इसकी वो है 4 meters। और इसकी वॉल थिकनेस की बात करें तो 450 mm वॉल थिकनेस है, और राफ्ट थिकनेस भी वही है और स्लैब थिकनेस भी वही है 450 mm। ठीक है दोस्तों, तो ये वोटर वाल की वर्टिकल बार है, ये 16 mm की है, इसकी हाइट 4 meters प्लस उसमें से प्लस कवर करके ऊपर में
और ये वाल यहाँ से यहाँ तक शुरू होती है। तो अभी हमने राफ्ट की बॉटम स्टील को टाई कर दिया और ये टाई करे जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉटम राफ्ट की अवर लेयर, जब चेयर वगैरह डाल देंगे वो सब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस।